our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. पाकिस्तान, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत मज़े का होने वाला है। तो जी स्टार्ट करते हैं। अभी जिस टाइम मैं ना ये व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप यकीन करें मैं टेरेस पे आई हूँ। इतनी कोई गर्मी है, मीन कि बिल्कुल हवा रुकी हुई है ना, मतलब हालाँकि हवा चलती है ना थोड़ी थोड़ी तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो जाता है, लेकिन इस वक्त आप यकीन करें मेरा दिल तो नहीं चाहता मैं आपको ऐसी बात बताऊं कि बहुत गर्मी है, बहुत हब्स है। मेरा तो दिल चाहता है मैं आपको कहूं बड़ा प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, हवाएं चल रही हैं, स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि आप ऐसा कुछ सुनना चाहते होंगे। लेकिन झूठ तो नहीं ना बोलूंगी, तो यही बताऊंगी कि जी हवा रुकी हुई है बिल्कुल टेरिस पर, और इस टाइम में वॉइस ओवर करी हूँ रात के टाइम पर। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये जी मेरा व्लॉग है संडे का, तो संडे को यू मैंने रिकॉर्ड किया था। संडे की सुबह का टाइम है क्योंकि गर्मी होती है, तो सुबह सुबह ये मैं प्यारी सी एक बास्केट है जो मेरी अम्मी ने क्रोशिए से ना अपने हाथ से बनाई थी, तो ये अम्मी ने मुझे दी थी। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेरे गार्डन में फ्लावर्स खिलते हैं ना, ख़ास तौर पे मोतियाँ, सुबह सुबह ना मैं जाके चुन लेती हूँ। जितना भी थोड़ा बहुत होता है ना मैं इस बास्केट में डाल के ना रूम में रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ज़रा सी गर्मी तेज़ होती है ना जैसे, वो तो जो गुला ये जो होता है ना मोतिये के फूल, ये बड़े मुरझा जाते हैं या जल जाते हैं ना, तो फिर मुझे यही होता है कि इससे बेहतर है कि मैं उनको चुन लूँ और इस छोटी सी क्यूट सी बास्केट में डाल के और मैं इसको रूम में रख दूँ, ताकि रूम देना बड़ी फ्रेश सी, बड़ी खूबसूरत सी, मज़ेदार सी खुशबू आती रहती है ना। जैसे बरसात के दिन है आपको पता है कमरों में से हल्की हल्की स्मेल आती ही है ना, तो ये चीज़ें होती हैं जो आप कमरों को, घर को खुशबूदार बना सकते हैं। तो ये देखिए जी मेरी प्यारी सी बास्केट जो है क्रोशिए की बनी हुई, बहुत ही क्यूट, और आपने मेरे गार्डन में भी देख रहे होंगे कितने फ्लावर्स लगे हुए। अच्छा ये वाले फ्लावर्स तो इतने मुझे कोई पसंद है, इनकी बेलें ये बेलों के साथ लटक रहे होते हैं कोई, इतने हसीन लगते हैं ये। और आप यकीन करें सुबह जब मैं सो के उठती हूँ, जब मैं बाहर अपने गार्डन में आती हूँ ना, तो ये फ्लावर्स का बस एक ज़मीन पे ना एक जैसा कारपेट बिछा होता है ना, इस फ्लावर्स का कारपेट बिछा हुआ होता है, इतने ज़्यादा फ्लावर्स गिरे हुए होते हैं ना। तो फिर मेरा यही होता है कि मैं इनको उठा के तो बास्केट में डाल के तो रूम में रख दूँ ना। तो ये जी मैं ले आई अपने रूम में, ये मैंने ड्रेसिंग पे रख दिया। अभी कि मेरा जो रूम है ना वो महकता रहेगा, कभी मैं इसको बाथरूम में भी रख देती होती हूँ, वो अलग से एक पॉट सा है उसमें मैं फ्लावर्स थोड़े से डाल देती हूँ, फिर ये होता है कि बाथरूमों में भी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि क्या ही बताऊँ। तो जी ये क्योंकि संडे का व्लॉग है तो संडे स्पेशल तो होता ही है खाने के हिसाब से, मतलब अच्छा ऐसा खाना हो, कुछ स्पेशल हो। तो जी हमने क्या किया था, हम लोगों ने ना बोनलेस जो मीट का पीस मंगवा लिया था। अच्छा सोच रहे थे कि इसका क्या बनाऊं, पसंदे बनाएं क्या बनाएं, तो मैंने सोचा अपनी ही मैंने कोई रेसिपी बस बना ली। तो ये मैंने जी सारी मटन को ना गला के ना, तो इसको मसाले लगा के रख लिया था, फिर इसको मैंने अच्छे से गला लिया था। इसको जब ये गल गया तो फिर इसको ना मैंने लेमन वगैरह डाल के और हल्का सा ऑयल डाल के, वैसे तो ये चर्बी में बनता है या ज़्यादा घी ऑयल में बने तो ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन मैं ज़रा हेल्दी तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया था बिल्कुल थोड़ा सा, और उसमें इसको ना
थोड़ा ब्राउन सा कर लिया था, और साथ मैंने सिंपल पुलाव बना लिया था, या आप देख रहे होंगे मेरे पुलाव की शशके। तो जी ये फिर मेरे ना जो मीट के पीसेस थे ना, इनको मैंने अच्छे से ना दोनों साइडों से ना फ्राई कर लिया था हल्का हल्का सा उन पे ना, ताकि कलर आ जाए। और साथ में ना आपको ये बताती हूँ, आप चिकन की कोई रेसिपी स्टफ फ्राई बनाई या साथ में लेमन के पीसेस काट के डाल लिया करी, एक जो अरोमा होता है ना लेमन के स्लाइसिस का, उसके वो पील का जो छिलका होता है, आप यकीन करें जब आप खाना खा भी लेते हैं ना तब भी वो टेस्ट आपके ना ज़ुबान पे रहता है। तो आप जब भी कोई फ्राई चीज़ बनाए ना, उसमें थोड़े से लेमन की स्लाइसेस काट के तो डाल लिया करें, तो बहुत ही उससे अच्छा सा एक अरोमा भी रहता है और बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी आ जाता है आपके खाने में। तो ये देखें जी, आप चिकन में ये आप मेरा मीट देख रहे होंगे, मीट के बिल्कुल इसका जो मीट है ना बहुत अच्छे से गल चुका था, कोई कच्चा नहीं था। अच्छा जी, इसको फिर मैंने थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ना, कि गर्मी है तो थोड़ी वेजिटेबल्स किसी न किसी तरीके से मैं ऐड कर लूँ, तो मैंने थोड़ा प्याज और टमाटर के सीड्स निकाल के इनको कटिंग कर लिया था, और थोड़ा प्याज ले लिया था, हरी मिर्ची ले ली थी। इसमें अगर आप ना एक शिमला मिर्च भी डाल लेना, ओए हो बड़ा ही ज़बरदस्त बन जाता है ना, ब्रोकली हो जाए वो भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास उस वक्त शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने ये हरी मिर्च से ही काम चला लिया था। और इसको ना बस दो मिनट, सिर्फ दो मिनट ना आपने तेज़ आग पे इसको ना मतलब ऐसे मिक्स कर लेना है। इन वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना, इनको बस क्रंची सा रखना है आपने। और फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मसाला जो होता है ना वो डाल लिया था, डाल के इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। तो ये बड़ा ही मज़े का संडे स्पेशल खाना बना था, इतनी कोई खुशबूएं आ रही थी ना यहाँ पे इस वक्त जब मैं ये बना रही थी, इतनी कोई खुशबूएं आ रही थी कि सबको हो रहा था कि यार बहुत मज़े का लग रहा है ये, जल्दी जल्दी बस हो तो हम खाएं। और आप यकीन करें बहुत तारीफ हुई थी इसकी, क्योंकि इसको मैंने डेकोरेट भी बड़ा अच्छा से किया था, क्योंकि वो मैं क्लिप लेना भूल गई, मैंने पुलाव बिछाया और उसके ऊपर ये मैंने सारे पीसेस बिछा दिए थे, साथ सैलड और चटनी हो गई थी, और साथ में मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी। हाँ, टमाटर की चटनी लहसुन डाल के, टमाटर और हरी मिर्च डाल के, वो इतनी कोई मज़ेदार बनती है, अरे हो क्या ही मज़े की ना। तो बस फिर ये मेरा पुलाव भी तैयार हो गया और ये मेरा खाना भी रेडी हो गया। बस ये इसको मैंने एक मिनट के लिए बस ये हल्का सा दम लगाया था, ये देखें, ताकि सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं, बस ज़्यादा पके ना। बस ये जी देखें हमारा खाना रेडी है, और मैं अभी आपको चेक भी कराती हूँ कि इसका मीट कितना अच्छा टेंडर हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा सा गल गया था इसका, और टेस्ट तो बहुत ही यम्मी था। तो जी ये देखें हमारा आज का खाना, इसके बाद हम सब ने मिलके इस खाने को बहुत इन्जॉय किया था। अच्छा जी, फिर ये रात को ना जैसे मैं आपको बता रही थी, गर्मी थी और एकदम से बादल आए, बारिश बरसी, इतना प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, बिजलियां चमक रही थी, मैं फिर कहाँ रहती हूँ तो मैं तो मोबाइल पकड़ती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। तो ये देखें जी, ये बिजलियाँ कड़क रही हैं बड़ी ज़बरदस्त, और इतना प्यारा मौसम हो गया था ठंडा ठंडा, मतलब बहुत अच्छा लगा। बारिश होगी, पिंडी का यही तो मज़ा है ना, कि ज़रा सा मौसम गर्म हो ज़्यादा तो बादल आ जाते हैं, बारिश बरस पड़ती है, मौसम बड़ा ही मज़े का हो जाता है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।